हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द किंग एटर्नल मोनार्च का एपिसोड नंबर 14। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिंजे को दिखाया जाता है जो कि एक केयर सेंटर में जाता है। वहाँ पर उसे अपना हमशक्ल मिलता है जो कि कोमा में होता है। फिर आगे हमें महाराज के महल में दिखाया जाता है जहाँ पर हेडकोर्ट लेडी महाराज के एक पोर्ट्रेट को देख रही होती है और वो वहाँ पर सोच रही होती है कि महाराज आप कहाँ हैं और कितनी दूर निकल गए हैं। फिर हमें हेडकोर्ट लेडी को उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर 25 साल पहले विद्रोह हुआ था। वहाँ पर वो सोच रही होती है कि महाराज कहीं आप उस काली रात के नज़दीक तो नहीं पहुँच गए हैं। वहीं हम दूसरी तरफ लीगोन को देखते हैं जो कि लूना की लाई हुई ड्रिंक को पीने के कारण नशे में होता है। वहाँ पर लूना लीगोन से कहती है कि लिरिम चाहता है तुम मर जाओ और तुम्हारी आधी बांसुरी की छड़ी उसे चाहिए। तो वह वहाँ पर उस छड़ी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो आ जाता है जिसकी वजह से लूना वहाँ से भाग जाती है। इस हालत में लीगोन को देखकर जो काफ़ी परेशान होता है, तो लीगोन उससे कहता है तुम जाकर लूना का पीछा करो, लेकिन जो इससे मना कर देता है और कहता है कि महाराज आपको जहर दिया गया है और को इलाज की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि जो जंगतुल के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि महाराज को जहर दिया गया है। ये बात सुनकर जंगतुल काफ़ी घबरा जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लीगोन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जंगतुल वहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है, तो वहाँ पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो अब ठीक है और ख़तरे से बाहर है। तो जब वो मिलने के लिए जाती है तो जो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि आप महाराज से नहीं मिल सकती क्योंकि जिसने महाराज को जहर दिया है वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो आप नहीं है। इस तरह से वो उसे मिलने से रोक देता है। इन सबसे जंगतुल काफ़ी दुखी होती है और वो दुखी होकर वहीं पर बैठ जाती है और वो यिनशिप को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम अपने भाई बहन को लेकर मेरे पापा के पास चले जाओ, अगर तुम मेरे जैसी लड़की को वहाँ पर देखो तो मुझे कॉल करना। तो इससे यिनशिप समझ जाता है कि वो अपनी हमशक्ल के बारे में बात कर रही है। फिर हमें बम्बू फॉरेस्ट में लिरिम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सही समय पर वहाँ पर कैसे पहुँचे और तुमने मुझे कैसे रोका। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लीगोन को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है, तो जो उससे कहता है महाराज आप ठीक है ना, और वो उसे बताता है कि जंगतुल आपसे मिलने आए थे लेकिन मैंने उन्हें मिलने से मना कर दिया। और वो ये भी कहता है कि महाराज हमें महल वापस जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लीगोन उसे बताता है कि 25 साल पहले मैंने खुद ने ही अपने आप को बचाया था और वो उससे कहता है कि वो जो हमला उस दिन हुआ था उसका दिन आज का ही है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो कहता है कि जंगतुल को इस बारे में बता देना कि मैं वापस जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि लीगोन बम्बू फॉरेस्ट में होता है, वहीं पर दूसरी तरफ लिरिम भी होता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन बीच में वो जादुई दरवाज़ा होता है और वो दोनों एक साथ एक ही समय पर उस जादुई दरवाजे में एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और वहाँ पर लिरिम उससे कहता है तुम ही हो ना मेरे भतीजे। फिर हम देखते हैं कि यह सुनकर लीगोन उसकी तरफ तेज़ी से भागता है, लेकिन लिरिम उससे पहले ही 1994 में पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टोर वाला बच्चा एक लड़की को बताता है कि जब बांसुरी एक साथ जुड़ती है तो समय और स्पेस की दूरियां कम हो जाती है और बांसुरी एक साथ जुड़कर उस समय में तुम्हें ले जाती है जहां पर तुम खुद को बचा सकते हो। फिर वो लेडी पूछती है कि उन दोनों को कहां ले जाया गया, तो फिर वो बच्चा बताता है कि उस रात उस गद्दार और महाराज को एक ही समय में एक ही पल में ले जाया गया। वो लेडी पूछती है क्यों, तो वो बच्चा कहता है क्योंकि महाराज दोनों दुनियाओं को उस गद्दार से बचाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि 2020 वाले लिरिम को देखकर 1994 वाला लिरिम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो। तो 2020 वाला लिरिम उससे कहता है कि मैं तुम ही हूँ जो कि मैं 2020 में होने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2020 वाला लिरिम उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस विद्रोह को जीतना है और महाराज बनना है तो तुम्हें पहले प्रिंस लीगोन को मारना होगा। तो इस पर 1994 वाला लिरिम उससे पूछता है क्यों, तो 2020 वाला लिरिम उससे कहता है कि वो बच्चा आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी बनेगा। यह सुनकर 1994 वाला लिरिम हंसने लगता है कि वो छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर 2020 वाला लिरिम कहता है कि उस बच्चे की वजह से ही मेरे हाथ सिर्फ आधी छड़ी लगी है। 1994 वाला लिरिम 2020 की लिरिम के हाथ में उस छड़ी को देखकर कहता है कि बांसुरी की ये बात सच है कि उस बांसुरी की वजह से एक दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। तो इस पर 2020 वाला लिरिम कहता है हाँ, अगर तुम्हें अब यकीन हो गया तो मेरी बात मानो और उस बच्चे को पहले ख़त्म करो क्योंकि वो इस विद्रोह को रोकने वाला है और उसी की वजह से मेरे हाथ सिर्फ आधी छड़ी लगी है। ये जानकर 1994 वाला लिरिम उससे कहता है कि इसका मतलब तुम उस समय असफल हो गए थे।
फिर हम देखते हैं कि 1994 वाला लीरिम गुस्से में तलवार निकालता है और 2020 वाले लीरिम को मार देता है और फिर उस छड़ी के आधे हिस्से को अपने हाथ में लेता है तो वो बांसुरी का आधा हिस्सा उसके हाथ से गायब हो जाता है। फिर आगे उस विद्रोह वाली रात को दिखाया जाता है जहाँ पर लिगोन आकर प्रिंस लिगोन को बचाता है, यानी वो खुद को ही बचाता है। यहाँ पर इस सीन को दोस्तों एपिसोड फर्स्ट में दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है तो वहाँ पर हेडकोर्ट लेडी आ जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम भी क्या उन विद्रोही के साथ मिले हुए हो? तो इस पर लिगोन उससे कहता है कि आपने मुझे उस दिन देखा था, और फिर वो अपने फेस से मास्क हटाता है और उससे कहता है कि मैं आपका होने वाला महाराज हूँ। तो इस पर दाइमा विश्वास नहीं करती और उससे कहती है, क्या कह रहे हो तुम? तो वो कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब लिगोन वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कुछ रॉयल गार्ड्स मिलते हैं, वो उन्हें भी चकमा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पीछा कर रहा होता है लिरिम का, तो वो देखता है कि लिरिम को भागने में मदद करने वाला और कोई नहीं होता बल्कि प्रिंस बियोंग का बेटा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिगोन उससे कहता है कि उस गद्दार लिरिम को भगाने वाले तुम हो। तो यहाँ पर वो उसके पैर में गोली मार के वहाँ से चला जाता है। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि जंग तुएल लिगोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं है। तो वो जो को कॉल करती है, तो जो उससे कहता है कि महाराज वापस महल चले गए हैं और उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है। ये सुनकर जंग तुएल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि सिंजे पुलिस स्टेशन जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। वहाँ पर वो कहता है कि आप ही ने मुझे सिंजे के साथ बदला था, यानी कि वो सारी सच्चाई जान चुका है। तो वो उनसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। इस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि मेरा बेटा, असली वाला बेटा सिंजे, काफ़ी बीमार था और डॉक्टर ने कहा कि वो कभी होश में नहीं आएगा, जिसकी वजह से मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर एक आदमी मुझे मिला और जिसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस बच्चे को दे दूँगा, और उसी ने हमें तुम्हें दिया था। जिस आदमी के बारे में यहाँ पर सिंजे के फादर बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि लिरिम है। ये सारी सच्चाई जानकर सिंजे काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है कि जिन्हें वो अब तक अपना फादर मान रहा था असल में वो उसके फादर है ही। फिर हम लिगोन को उस बम्बू फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर लिगोन को समझ में आता है कि वक्त अपनी दूरी पर जब ही घूमता है जब बांसुरी एक होती है, और आधे ही बांसुरी से मैं सिर्फ आधे ही समय को पार कर सकता हूँ, यानी कि 2020 में जाने के लिए 26 साल का इंतजार करना होगा, जो इंटरडेमेंशियल गेट में 4 महीने का वक्त होता है। ये जानकर लिगोन काफ़ी परेशान हो जाता है। तो उसे याद आता है कि उसने जंगतुएल से पूछा था, क्या मेरे जैसे दिखने वाला तुम्हारी दुनिया में मौजूद है? तो इस पर जंगतुएल उसे कहती है, नहीं, तुम्हारे जैसे दिखने वाला बच्चा 8 साल की उम्र में मर गया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ोन बूथ होता है जिससे कि लिगोन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। वो पुलिस से पूछता है ली सोंगजे के बारे कि इसकी फैमिली खतरे में है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि आज सुबह ही इसका मर्डर हुआ है। यहाँ पर लिगोन को कंफर्म हो जाता है कि मेरे जैसे दिखने वाले बच्चे को मार दिया गया है, जिससे कि लिगोन समझ जाता है कि वक्त आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं 1994 में ही हूँ। फिर हम लिगोन को एक खाली जगह पर खड़ा हुआ देखते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर वो जंगतुएल के साथ अपनी माँ के घर को ढूंढने आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। यहाँ पर वो जंगतुएल को याद कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके हाथ में जो बांसुरी का आधा हिस्सा होता है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी के साथ कपड़े सुखा रही होती है। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि 5 साल की जंगतुएल होती है। तो लिगोन वहाँ पर जाकर उससे मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिगोन जंगतुएल का नाम लेता है, तो वो बच्ची कहती है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? तो इस पर जंगतुएल से लिगोन कहता है कि मैं एक अलग समय से आया हूँ और 1994 में फंस गया हूँ, और तुम तक पहुंचने के लिए मुझे 26 साल का सफ़र तय करना होगा। और वो उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, जल्दी पहुंच जाऊँगा। तो इस पर वो छोटी बच्ची कहती है उससे, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम कौन हो? तो इस पर लिगोन पूछता है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो वो छोटी जंगतुएल उससे कहती है, हाँ तुम किडनैपर हो ना? तभी हम देखते हैं वहाँ पर जंगतुएल की मॉम आ जाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि जंगतुएल एक गमले में पानी दे रही होती है कुछ बीजों को और कह रही होती है कि अब तो इन्हें खिलने का समय है, तुम कब बड़े होगे? और यहाँ पर वो लिगोन को भी याद कर रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है, तो उसे उसके पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ पर एक पुलिस लेडी वो उसे बताती है कि 1994 में एक कंप्लेंट की गई थी जिसकी ऑडियो क्लिप मुझे मिली है और उसकी आवाज़ जानी पहचानी है। वो इस ऑडियो क्लिप को जंगतुएल को सुनाती है, तो ये वही ऑडियो क्लिप होती है जो कि लिगोन ने उस समय की थी पुलिस स्टेशन में। इस आवाज़ को सुनकर जंगतुएल को सब कुछ याद आ जाता है कि जब मैं 5 साल की थी उस समय मुझसे लिगोन मिलने आया था। यहाँ पर जंगतुएल को समझ में आ जाता है कि लिगोन बीते हुए कल में है, यानी कि 1994 में है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इमेजिन करती है कि उसके सामने लिगोन खड़ा हुआ है और वो उस वहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।
आगे हम देखते हैं कि सिंजे अपने हमशक्ल को उस केयर सेंटर से बाहर लेकर आ जाता है, वो भी अपने उस डॉक्टर की मदद से जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर उससे कहती है कि जो कहानियाँ तुम मुझे सुना रहे थे वो सपने नहीं थे बल्कि हकीकत थी। और वो उससे पूछते हैं कि इनमें से कौन सिंह जी कौन है, तो वो कहता है कि मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें जंगतुअल को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि केयर सेंटर को पैसे देने वाले इंसान के फुटेज मिले हैं जो कि उन्हें चेक करनी है। फिर हम देखते हैं सभी ऑफिसर उन फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, मतलब उस आदमी के घर का एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें वो एड्रेस मिल जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस एड्रेस पे जाते हैं तो वो दरवाज़ा बंद होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो पहले ही वहाँ से निकल चुके होते हैं और वहाँ पर वो सिलेंडर को ब्लास्ट करने के लिए ओपन करके छोड़ जाते हैं। तो वहाँ पर पुलिस वालों को सिलेंडर की स्मेल आती है तो वो लोग वहाँ से भागते हैं, तभी वहाँ पर वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें पीएम की उस कज़न सिस्टर को दिखाया जाता है जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भेज दिया गया था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने उस हस्बैंड को मार के वहाँ से भागने लगती है, तो उसके सामने एक लेडी आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि आपको अपनी दुनिया में वापस जाना है ना। तो कहती है हाँ, तुम मुझे जानती हो मैं असलियत में कौन हूँ और क्या तुम मुझे वहाँ पर वापस भेज सकती हो? तो कहती है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। और आप क्या कर सकती है? तो वो लेडी कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ वहाँ पर वापस जाने के लिए। आगे हमें किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है, पीएम की माँ को उसकी माँ उसे कॉल करती है तो वो पूछते हैं कि माँ तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई रिपोर्टर्स नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं कुछ ठीक हूँ और मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। आगे पीएम अपनी माँ से कहते हैं कि अगर आगे से मैं आपसे पूछूँ कि खाने में आपने क्या बनाया तो आपको मैकरे कहना है। तो वो कहते हैं क्यों बेटा? वो कहते हैं नहीं माँ, आपको यही जवाब देना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि वो यहाँ पे समझ गई कि उसकी माँ को भी रिप्लेस कर दिया जा सकता है और अपनी असली माँ का पता लगाने के लिए कि ये मेरी असली माँ है या नहीं, इसलिए वो उन्हें कोड के तौर पे बताती है कि अगर मैं आपसे खाने के बारे में पूछूं तो आपको मैकरे ही खाने का नाम लेना है। फिर हम देखते हैं कि पीएम अपनी गर्दन पर हाथ फेरती है और याद करती है उस रात को जब वो महाराज से मिलने गई थी और उसकी गर्दन पर वो निशान चमका था, तो वो उसे याद आता है शायद उसने इस निशान को देख लिया होगा। फिर यहाँ पर पीएम सोचती है कि ऐसा क्यों है कि वो दोनों ही उस कीमती चीज़ से उस जादुई दरवाजे को खोल सकते हैं, मैं भी तो उस जादुई बांसुरी को पा सकती हूँ। तो यहाँ पर पीएम के मन में भी उस बांसुरी के लिए लालच आ जाता है। फिर हम जंगतुएल को उस बम्बू फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर जंगतुएल याद करती है कि किंग उससे मिलने के लिए यहाँ पर पहले किस तरह से आए थे और उसे गले लगाया था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है वहाँ पर। वहाँ पे एक फ़ोन बूथ होता है, तो जंगतुएल उस फ़ोन बूथ पर जाती है और याद करती है कि तुम बहुत दूर आ गए हो लिगोन और कब वापस आओगे। तभी उसे याद आता है 2016 का समय जब वो सभी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तो इनसे और नारी के पास कॉल आता है, वो उस कॉल को अटेंड नहीं करते। लेकिन सिंजे के पास भी एक कॉल आती है, सिंजे उस कॉल को अटेंड कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि वो कॉल पर कोई कह रहा होता है कि मुझे जंगतुएल से बात करनी है। तो जंगतुएल बाहर देखती है तो बाहर एक फ़ोन बूथ होता है जहाँ पर लिगोन खड़ा रहता है। तो जंगतुएल कहती है मैं अभी आती हूँ, तो हम देखते हैं जंगतुएल वहाँ से निकल के बाहर जाती है लिगोन के पास। तो हम देखते हैं कि जंगतुएल वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहते हैं तुम मुझे जानते हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? फिर उसे याद आता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझसे जब मिलने आए थे ना जब मैं 5 साल की थी, और उसे कहती है कि तुम कौन हो और तुमने अभी भी यही कपड़े पहने हुए और तुम्हारा फेस भी सेम है। तो वो उस पर कहता है कि एक ड्रेस तुमने ही मुझे गिफ्ट की थी। तो जंगतुएल वहाँ पर कहती है मुझे अपने आईडी कार्ड दिखाओ, तो वो अपने बालों को बांधने लग जाती है। तो हम देखते हैं वहाँ पर लिगोन उसे एक रबड़ बैंड देता है, तो इस पर जंगतुएल कहती है तुम्हें कैसे पता मैं अपने बालों को बांधने वाली हूँ? तो लिगोन कहता है जब तुम अपने बालों को ऐसे करती हो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर लिगोन उसे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा अपने घोड़े मैक्सिमस के साथ, और वो उसे कहता है कि मैं एक कोट पहन के आऊँगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्डन बटन लगे हुए होंगे। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि जब हम दोबारा मिले तो तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना और हो सके तो मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना क्योंकि मेरे पास समय कम होगा। ये सब बोलकर लिगोन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही फ़ोन बूथ पर जंगतुएल भी इस समय खड़ी होती है और वो याद कर रही होती है कि मुझसे फिर से मिलने लिगोन 2016 में आया था। तो वहाँ पर एक डेट लिखी हुई रहती है और साथ में एक मैसेज भी लिखा रहता है कि बस थोड़ा समय मेरे लिए और इंतज़ार करना, मैं बस आने ही वाला हूँ। इस तरह से इस मैसेज को वहाँ पर लिगोन छोड़ के जाता है। तो यहाँ पर उस मैसेज को जंगतुएल देखती है। आगे हमें जोयोंग को दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि रेस वाले दिन महाराज उससे मिलने आए थे, वो भी वो उस ब्लैक ड्रेस में ही, और उससे कहते हैं कि मैं इस जैकेट को यहाँ पे रख रहा हूँ, तुम इसे छूना मत। और वहाँ पर लिगोन उससे कहता है कि तुम जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाओगे तो वहाँ पर सोंगजे हे को ढूंढने की कोशिश करना। ये वही औरत होती है जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है और जो कि लिगोन की माँ की हमशक्ल है। तो यहाँ पर जो उससे पूछता है ये कौन है सोंगजे है,
तो इस पर लिगोन उसे कहता है, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। साथ ही उसे ये कहता है, तुम वहाँ पर जंगटुएल से भी मिलोगे। इस पर जोंग उसे पूछता है कि क्या आप लेफ्टिनेंट जंगटुएल से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर लिगोन उसे कहता है, मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो शायद मैं उसे कभी ना मिल पाऊँ, तो इसलिए तुम मुझे जाने से मत रोकना। साथ ही यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि हम रेस जीतने वाले हैं, तो तुम फिनिशिंग लाइन पर पहुँच जाओ। ये सब बोलकर वहाँ से लिगोन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की उस जैकेट को लेकर भागती है, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लूना होती है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इंशुप जंगटुएल को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारे जैसी दिखने वाली लड़की एक स्टोर में गई है और वहाँ पर उसके साथ तुम्हारे फादर और नारी भी है। तो जंगटुएल कहती है, तुम वहीं पर वेट करो, मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लूना नारी और जंगटुएल के फादर के साथ जा रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि जंगटुएल उसका पीछा कर रही है, तो लूना वहाँ से भागने लगती है। फिर हम आगे देखते हैं कि जंगटुएल और लूना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो वहाँ पर लूना उससे कहती है, मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आना, अगर तुम मेरे सामने आओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तभी हम देखते हैं कि लूना एक चक्कू से उस पर वार कर देती है और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें हमेशा के लिए उस दुनिया को छोड़ के जाना होगा, और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगटुएल पुलिस को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है, और वो यहाँ पर आखिरी समय में याद कर रही होती है लिगोन को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। तो हम देखते हैं, फिर हमें उस समय को दिखाया जाता है जहाँ पर लिगोन इस दुनिया में आता है मैक्सिमस के साथ और जंगटुएल उसके सामने खड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर लिगोन उतर के घोड़े से जाता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो यहाँ पर जंगटुएल भी कहती है, आखिरकार तुम आ गए इतने समय के बाद, और फिर वो वहाँ पर उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे के ड्रामा म्यूजिक चैनल से जुड़े रहिए।